वैसे तो दोस्तों मुस्लिम कंट्रीज़ को बेहद ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉस के लिए जाना जाता है। हमेशा से ये सभी के माइंड में बात रहती है कि मुस्लिम कंट्रीज़ में ना लोगों का लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वाला होता है, ख़ास तौर पर वुमेंस के लिए। दोस्तों मुस्लिम कंट्रीज़ में आपको कई खतरनाक लेवल के लॉ देखने को मिलेंगे। वेल दोस्तों मिडल ईस्ट में तो ये काफ़ी ज़्यादा सच बात साबित होती है, लेकिन दुनिया के कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जहाँ पर मॉडर्न लेवल की बहुत ही ज़्यादा लड़कियाँ अपने को देखने को मिलेंगी जिनका लाइफस्टाइल बेहद ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का मॉडर्न लेवल का है, और वहाँ की महिलाएं दोस्तों अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सकती हैं। हालांकि मुस्लिम कंट्रीज़ में महिलाओं पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती हैं, लेकिन दुनिया में 10 ऐसे भी देश हैं जहाँ पर दोस्तों मुस्लिम देश होने के बाद भी लोग अपनी ज़िंदगी को बड़ी ही फ्रीडम के साथ जीते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दुनिया की 10 सबसे ज़्यादा फ्रीडम से भरी हुई मुस्लिम कंट्रीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो इंटरेस्टिंग तो रहेगी ही, तो अभी से दोस्तों कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न तैयार रखो। नंबर 10 पर नाम आता है इंडोनेशिया का। असल में दोस्तों इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया की एक बेहद ही ज़्यादा कमाल की कंट्री, और इंडिया के लोग तो इसे काफ़ी पसंद करते हैं बाली के चलते। हालांकि दोस्तों कल्चर इनका काफ़ी इंडिया से आपको मिलता जुलता लगेगा, लेकिन असल में ये एक इस्लामिक कंट्री है। लेकिन यहाँ की महिलाओं को बहुत ही अच्छे से अधिकार दिए जाते हैं, और ह्यूमन राइट्स के तौर पर ये मुस्लिम कंट्री बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे की मानी जाती है। यही तो वजह है दोस्तों आज के दिन चाहे लिटरेसी रेट की बात करें तो चाहे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की ही बात क्यों ना करें, हर जगह महिलाओं के लिए भी दोस्तों इक्वली काम होता हुआ आपको नज़र आएगा। आज के दिन दोस्तों इंडोनेशिया पूरी दुनिया में 10वीं सबसे ज़्यादा फ्रीडम वाली कंट्री मानी गई है मुस्लिम कंट्रीज़ में से। नंबर 9 पर नाम आता है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान असल में दोस्तों सेंट्रल एशिया की एक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती से भरी हुई कंट्री है, और ये भी एक मुस्लिम कंट्री है। लेकिन मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी ना यहाँ की महिलाओं का जीवन आप खुद देखिए कितना ज़्यादा अव्वल दर्जे का और कितना मॉडर्न है। यहाँ पर दोस्तों महिलाओं के ऊपर कोई भी बात को कभी थोपा नहीं जाता, यही वजह है कि आज के दिन तुर्कमेनिस्तान को पूरी दुनिया की 9वीं फ्रीडम वाली कंट्री माना जाता है मुस्लिम कंट्रीज़ में से। यहाँ पर दोस्तों लोग अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीते हैं, यही वजह है क्वालिटी ऑफ लाइफ भी यहाँ का काफ़ी बेहतरीन है। नंबर 8 पर नाम आता है मैसिडोनिया का। असल में दोस्तों मैसिडोनिया साउथ ईस्ट यूरोप की एक काफ़ी कमाल की कंट्री है, लेकिन यूरोप में होने के बाद भी ना ये बहुत ही ज़्यादा अमीर दर्जे का देश तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, और ये काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम भी देती है दोस्तों अपने सिटीजन्स को। यहाँ चाहे कोई लड़की हो या फिर लड़का, वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकता है, और उनकी लाइफ के ऊपर दोस्तों रिलीजन का उतना बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को यहाँ तो कम से कम बिल्कुल नहीं मिलता जितना बड़ा आपको ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। यही वजह है कि आज के दिन फ्रीडम वाली कंट्रीज़ में दोस्तों मुस्लिम कंट्रीज़ में इसकी रैंकिंग बनती है नंबर 8 की। नंबर 7 पर नाम आता है बोस्निया एंड हर्जगोविना। बोस्निया एंड हर्जगोविना भी दोस्तों असल में एक साउथ ईस्टर्न यूरोप की खूबसूरत सी लगने वाली कंट्री है, और पॉपुलेशन में यहाँ पर आपको मेजॉरिटी इस्लाम धर्म की ही देखने को मिलेगी, लेकिन तरक्की में ये देश काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहा है। स्पेशली पिछले 10 सालों में दोस्तों इसने अच्छे से तरक्की की है। यहाँ की सिटीज़ को ही देख ले दोस्तों, बेहद ही मॉडर्न लेवल की, और लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अव्वल दर्जे का। हर इंसान को यहाँ पूरा हक होता है अपनी लाइफ में अपनी मर्जी से डिसीजन लेने का, और उनकी लाइफ पर दोस्तों रिलीजन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट कभी भी आपको देखने को नहीं मिलता। नंबर 6 पर नाम आता है टर्की का। मिडल ईस्ट का ये देश दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आज भी माना जाता है, और इसके तो चर्चे हर दम दुनिया में होते ही रहते हैं। टर्की दोस्तों ये वही देश तो जो कि आपको वेस्टर्न एशिया और साउथ ईस्टर्न यूरोप दोनों ही कॉन्टिनेंट पर बसा हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन टर्की असल में इतना ज़्यादा फेमस है इसका कारण है दोस्तों यहाँ की कमाल की सिटी इस्तांबुल, जो कि आज के दिन यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। ये भी एक इस्लामिक देश है, और पूरे देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन आपको मुस्लिम्स की ही देखने को मिलेगी। वैसे एक समय वो भी था दोस्तों जब यहाँ की महिलाओं के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा अत्याचार देखने को मिलते थे, आज भी यहाँ की महिलाओं के ऊपर आपको कई तरह की रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगी, लेकिन इसके बाद भी महिलाएं यहाँ की काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। आपको महिलाएं दोस्तों बड़ी बड़ी जॉब्स करती हुई नज़र आएंगी, बिजनेस चलाती हुई नज़र आएंगी, और दोस्तों वो अपनी लाइफ में अपने दम पर डिसीजंस ले सकती हैं। यही वजह है कि आज के दिन मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम देती है अपने सिटीजन्स को, और इस तरीके से ये आज के दिन फ्रीडम के मामले में दुनिया की 6ठे नंबर की मुस्लिम कंट्री है।
नंबर 5 पर दोस्तों नाम आता है मलेशिया का। मलेशिया एक बेहद ही खूबसूरत देश है जो कि दोस्तों एशिया में बसा हुआ है। आप जानते हैं सिंगापुर के बिल्कुल पास। मलेशिया में भी दोस्तों आपको मेजॉरिटी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी इस्लाम धर्म के लोगों की। तकरीबन 62% इस्लामी धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मलेशिया तरक्की में भी बेहद आगे है और यहाँ के लोगों के पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है। लाइफस्टाइल बिल्कुल अव्वल दर्जे का। तो यकीनन दोस्तों नो डाउट यहाँ पर ना लोगों की लाइफ के ऊपर बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ता उनके रिलीजन का, और वो बहुत ही अच्छे से फ्रीडम के साथ जिंदगी जीते हैं। नंबर 4 पर नाम आता है बांग्लादेश का। बांग्लादेश दोस्तों जो कि एशिया का शानदार देश है, और पिछले 3 सालों में तो इसकी इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ी है। ये भी असल में एक मेजॉरिटी रखता है मुस्लिम पॉपुलेशन की। लेकिन मुस्लिम हो या फिर दोस्तों किसी और धर्म के आप इंसान हो, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा फ़र्क इस बात से बिल्कुल नहीं पड़ता। और यहाँ पर हर मुस्लिम लड़के को और मुस्लिम लड़की को अपनी ज़िंदगी का हर डिसीज़न लेने का पूरा मौका खुद से मिलता है। यानी दोस्तों यहाँ पर भी बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ता कि ये एक मुस्लिम देश है, क्योंकि यहाँ पर भी लोगों को पूरी फ्रीडम मिल जाती है ज़िंदगी जीने की। नंबर 3 पर दोस्तों नाम आता है कोसोवो का, जिसको पूरी दुनिया ऑफिशियल नाम के तौर पर रिपब्लिक ऑफ कोसोवो के नाम से जानती है। तो वहीं दोस्तों ये कंट्री आपको देखने को मिलेगी साउथ ईस्टर्न यूरोप में। यूरोप की कंट्री है तो भला दोस्तों फ्रीडम की कमी अब कैसे हो सकती है। रिलीजन के तौर पर तो काफ़ी बड़ी मेजॉरिटी आपको यहाँ मुस्लिम्स की देखने को मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ की मुस्लिम आबादी बेहद ही ज़्यादा एजुकेटेड है और रिस्ट्रिक्शंस यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगी ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ के मुकाबले। और इस मुस्लिम कंट्री में हर लड़की दोस्तों मॉडर्न ड्रेस पहन सकती है जब उसका दिल चाहे, और ज़िंदगी में जैसा चाहे वैसा काम कर सकती है। उनके खुद के ऊपर है कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहती हैं। और लड़कों के साथ भी दोस्तों सेम है, वो ज़िंदगी में जैसा चाहे वैसा काम कर सकते हैं। यानी पूरी फ्रीडम है दोस्तों हर तरह की चॉइस की। और इस तरीके से फ्रीडम वाली मुस्लिम कंट्रीज़ में दोस्तों कोसोवो की रैंकिंग पूरी दुनिया में आती है नंबर 3 की। नंबर 2 पर नाम आता है कजाकिस्तान, जो कि सेंट्रल एशिया का एक देश है। दरअसल दोस्तों 1990 के साल से पहले तो ये रशिया का ही हिस्सा था, लेकिन आज के दिन खुद स्वतंत्र देश है जहाँ पर मुस्लिम्स की मेजॉरिटी आपको बेहद ही ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलेगी। लेकिन मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है तो दोस्तों देश ने तरक्की भी अच्छे से ज़रूर की है। और आज के दिन यहाँ पर दोस्तों इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म से हो, बात से फ़र्क पड़ता है तो आपकी लाइफस्टाइल से। आपको जैसे ज़िंदगी जीनी है आप वैसे जिए, यहाँ पर आपको कोई परेशान नहीं करेगा धर्म के नाम पर। और धर्म के नाम पर, मुस्लिम धर्म के नाम पर, ये पूरी दुनिया की दूसरी आपको ऐसी कंट्री देखने को मिलेगी जहाँ सबसे ज़्यादा फ्रीडम है। नंबर 1 पर नाम आता है अल्बानिया का। ये भी दोस्तों असल में साउथ ईस्टर्न यूरोप का एक कमाल का देश है, और खूबसूरती तो सही में कुदरत ने इस देश को खूब बख्शी है। यूरोप की ज़्यादातर कंट्रीज़ की तरह, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इनकी तरह दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अमीर तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस देश के लोगों का लाइफस्टाइल बेहद ही ज़्यादा कमाल है। यहाँ पर भी मेजॉरिटी आपको मुस्लिम्स की देखने को मिलेंगी, लेकिन दोस्तों यहाँ के मुस्लिम्स बहुत ही अच्छे माइंडसेट के आते हैं, जिसके चलते दोस्तों देश लगातार तरक्की कर रहा है। और यहाँ पर धर्म के नाम पर कभी भी किसी की लाइफ को ख़राब बिल्कुल ही नहीं किया जाता। किसी की लाइफ के ऊपर आपको धर्म का कोई भी इम्पैक्ट कभी देखने को नहीं मिलता। यही वजह है कि आज के दिन अल्बानिया पूरी दुनिया में दोस्तों नंबर 1 ऐसी मुस्लिम कंट्री बनती है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फ्रीडम देखने को मिलेगी। इन 10 कंट्रीज़ के बारे में आपका दोस्तों क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। और ऐसी वीडियो आपके लिए हमें तो डेली लानी है, तो चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए।